दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे सांप से रूबरू कराएंगे जो सांप एक ही वार में किसी भी इंसान का सर फोड़ सकता है। इस सांप के बारे में बहुत ही लोगों के मन में अंधश्रद्धा फैली होती है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसे हम यहाँ पर रिलीज करने आए हैं। ये बहुत ही बड़ा जंगल है, ये जंगल तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो इस जंगल में हम अभी दो सांप रिलीज करने आए हैं, तो पहले इस सांप को हम इस जंगल में रिलीज करते हैं। इस सांप का नाम है ग्रीन वाइन स्नेक, मराठी में इसे हरनटोल कहते हैं। दोस्तों ये सेमी वेनमस सांप होता है और ये ज़्यादातर पेड़ पर ही रहने वाला सांप होता है। ये सांप हमारे एरिया में अति दुर्लभ सांप माना जाता है, क्योंकि ये रेयर स्पेसीज जंगल के एरिया में ही पाई जाती है। ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही शांत स्वभाव के सांप होते हैं, लेकिन इसका अटैकिंग पोजीशन बहुत ही डेंजर होता है। दोस्तों इसका जो मुंह होता है वो बहुत ही धारदार होता है और इसके मुंह से ही लोग ज़्यादा डरते हैं। तो अभी हम इस सांप को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। एकदम रस्सी जैसा दिखने वाला सांप होता है और इसका कलर पूरा ग्रीन होता है और इसका आप मुंह देख सकते हैं, बहुत ही धारदार मुंह होता है इसका और इसके अटैकिंग पोजीशन भी बहुत ही डेंजर होती है। दोस्तों ये सेमी वेनमस सांप है, अगर इसने हमें बाइट किया तो किसी हनीबीट या मधुमक्खी के जैसा जिस तरह से बाइट किया होता है और उसके सिम्टम जिस तरह से होते हैं बस उसी टाइप के सिम्टम्स हमारे बॉडी पर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाइट से किसी भी आदमी की मौत नहीं होती है। दोस्तों ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही शांत स्वभाव के सांप होते हैं, अगर इस सांप को हमने ज़्यादा मॉलेस्ट किया तो ये अपना मुंह फैलाकर हमें काटने की कोशिश करता है। अभी तो ये फिलहाल भागने की फिराक में है, इसलिए अभी अटैकिंग मोड में नहीं है। इसकी पूरी बॉडी एकदम रस्सी जैसी दिखती है, इसका मुंह जो होता है बहुत ही धारदार मुंह होता है और इसी मुंह की वजह से कई लोगों का मानना होता है कि अगर इसने इसके मुंह से लोगों पर वार किया तो एक ही वार में किसी भी इंसान का सर फोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होने के कारण ऐसा दुनिया में कोई भी सांप नहीं होता है कि जिसके वार से इंसान का सर फूट जाए। तो अभी इस सांप को हम यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। ये जगह इसे रहने के लिए बिल्कुल ही अनुकूलित है, यहाँ पर इसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों पेड़ पर कैसे चढ़ता है, ये कितना फास्ट चले जाता है, पेड़ पर ये दिखता भी नहीं है। देखिए कितने ऊपर चले गया है।